हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये सभी राइटर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटर बन सकते हैं, आप राइटिंग की दुनिया में कैसे अपना नाम कमा सकते हैं और एक यूनिक राइटर बन के आप अलग आ सकते हैं। आप भीड़ बहुत सारे राइटर्स हैं बॉलीवुड में, लेकिन जो आम पब्लिक है उनका नाम ही नहीं जानती है। जैसे आपने देखा होगा कि जावेद अख्तर या फिर गिने चुने दो तीन जो राइटर्स हैं उनके नेम्स को छोड़ करके जो आम लोग हैं वो नेम्स ही नहीं जानते राइटर्स के। तो आप कैसा ऐसे कर सकते हैं कि आपका नाम जो है वो आम पब्लिक भी जाने, और कैसे आप अपना फेम बना सकते हैं और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटर बनकर आप भीड़ से अलग हो सकते हैं। देखिए, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल एग्जांपल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हमेशा आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटर बनने के लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पर। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सोच रखनी होगी, आपको अपनी सोच जो है वो भीड़ से अलग करनी पड़ेगी, आपको कुछ यूनिक आइडिया ढूंढना होगा, आपको कुछ यूनिक कंटेंट ढूंढनी होगी। यानी आपके जो स्टोरी का आइडिया है, आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। आप कुछ ऐसी स्टोरी सोचिए जो पहले कभी नहीं बनी हो, जो पहले किसी ने लिखी हो, वो टॉपिक ही किसी ने चूज नहीं की हो। देखिए, आपने देखा होगा कि जो भी फिल्में बनती है उसमें जो कंटेंट्स होती है, उसका जो टॉपिक होता है वो पहले कहीं ना कहीं ज़रूर बना हुआ होता है। लेकिन देखिए, ऐसे टॉपिक्स पर आई फिल्में जो है वो इतिहास रचती है, जिन पर पहले कोई मूवी नहीं बनी हो और फर्स्ट टाइम डायरेक्टर ने बनाया हो, राइटर ने लिखा हो, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया हो, और वो बन करके आती है और आम पब्लिक उसे पसंद करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल अपना आइडिया जो है यूनिक रखना है, आपको कुछ अलग कंटेंट ढूंढना है जो पहले कभी नहीं बनी हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप दिमाग लगाएंगे तो ऐसा आइडिया नहीं मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि कैसे कुछ कुछ फिल्में जो है वो अपने यूनिकनेस के कारण से बहुत बड़ी हिट हुई। देखिए, पीके मूवी आपने देखी होगी, पीके मूवी की जो कंटेंट है, जो उसमें आइडिया है, जो उसमें स्टोरी बताई गई है वो बिल्कुल यूनिक है, वो बिल्कुल अलग है। वैसी मूवी पहले कभी नहीं बताई गई थी कि एक एलियन आता है और एलियन जो है वो यहाँ के तौर तरीके सीखता है और यहाँ पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है, धर्म के बारे में या जाति के बारे में उसे कुछ समझ में नहीं आता है, और उस तरह से जो आम ऑडियंस है उसको बहुत सारे मैसेजेस देने की कोशिश की गई है मूवी में। तो ये एक अलग मूवी हुई। कुछ पर्सन्स ने इस मूवी को हेट भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी मूवी जो है वो चली, अच्छी खासी चली और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी इस मूवी ने तोड़े। एक और मूवी आई थी बागबान। देखिए, बागबान की जो कहानी है वो भी बिल्कुल यूनिक थी। कैसे एक पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को दुख में सुख में अच्छे से पालते हैं, लेकिन वही बच्चा जो है वो बड़े होकर के माँ बाप की कदर नहीं करता है, उन्हें ठोकरें मारता है। तो इस टॉपिक पर पहले मूवीज जो है वो नहीं बनी थी, और बागबान जब बनी और रिलीज हुई तो ऑडियंस थिएटर में तो रोई ही, लेकिन इसके साथ ही कई रिकॉर्ड्स बागबान ने तोड़े। एक और मूवी मैं आपको बताता हूँ, गदर। गदर एक प्रेम कथा जो थी, जो सनी देओल जी की थी, उस मूवी ने भी काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़े। वो मूवी इतनी हिट हुई कि इस मूवी के कारण सनी देओल जी को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, उनकी फिल्में पाकिस्तान में लगना जो है बैन हो गई। तो इतनी बड़ी वो हिट हुई थी क्योंकि उसका कंटेंट यूनिक था। ये जो मूवीज़ के मैंने नेम्स लिए सबके कंटेंट्स यूनिक थे, उनकी सोच अलग थी, इसीलिए ये मूवीज़ जो है ये ब्लॉकबस्टर हिट हुई। हाँ, ये चीज़ है कि कंटेंट स्टोरी अलग है, स्क्रिप्ट अलग है, तो डायरेक्टर ने अच्छे से बनाया भी, प्रोड्यूसर ने अच्छे से उसमें पैसे भी लगाए, प्रोड्यूसर ने भी उसे अच्छे से प्रोड्यूस किया। तो ये सभी चीज़ें मिला करके वो कंटेंट जो है वो यूनिक बन गया और बिल्कुल ब्लॉकबस्टर बन गया। तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटर बनना है तो आपको यूनिक कंटेंट लाना होगा। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर टू पर। देखिए, पॉइंट नंबर टू ये है कि आपको अगर अच्छा राइटर बनना है, यूनिक राइटर बनना है, तो आपको समय को देख करके चलना होगा। आप जिस टाइम पीरियड में लिख रहे हैं उस टाइम पीरियड को आपको ध्यान में रख करके लिखना होगा, ऑडियंस को ध्यान में रख करके लिखना होगा कि जिस समय में आप लिख रहे हैं उस समय की ऑडियंस कैसी है, उनको ध्यान में रखकर लिखना होगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल के साथ यहाँ बता रहा हूँ, हम आपके हैं कौन मूवी आपने देखी होगी, एक समय में ये मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी, लेकिन आज के समय में अगर इसी तरह की फिल्म बना करके रिलीज़ की जाए तो फिल्म ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि वो स्लो लगेगी ऑडियंस को। आज की ऑडियंस जो है उनके पास बहुत सारे चॉइसेस है, और ऑडियंस जो है वो भी बहुत फास्ट हो गई है, लोगों के पास समय नहीं है, तो ऐसे में स्लो मूवीज़ लोगों को पसंद नहीं आती, ज़्यादातर मैंने देखा है। तो अगर हम आपके हैं कौन को आज के समय में बनाया जाता तो वो हिट नहीं हो पाती। शाहिद कपूर की विवाह मूवी जो थी वो अपने टाइट स्क्रीन प्ले के कारण काफ़ी ऑडियंस में लोकप्रिय हो गई,
ऑडियंस ने उसे काफ़ी सराहा और लोगों को काफ़ी पसंद आई। लेकिन आज के समय में अगर सेम टू सेम उसी तरह से अगर मूवी बना दी जाए तो फिर लोगों को नहीं पसंद आएगी, क्योंकि लोग जो है वो स्लो उस चीज़ को कहेंगे, लोग कहेंगे कि नहीं स्लो मूवी है। तो खैर समय समय की बात है, आज की जितनी फास्ट ऑडियंस हो गई है, जिस तरह से आजकल इंटरनेट में 3G के बाद 4G आ गई या 5G आने वाली है, उसी तरह से लोग जो है वो भी कन्वर्ट होते जा रहे हैं, 3G 4G 5G, लोगों की जो जीवन है वो भी कन्वर्ट होते जा रहे हैं, लोग फास्ट होते जा रहे हैं, लोग एडवांस होते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको समय को देख करके चलना होगा। अगर आज के समय में आप बहुत पहले की फिल्म लिख देते हैं जो पहले चल सकती थी, तो वो ऐसा नहीं चलेगा, आपको आज के ज़माने के अनुसार, आज के ऑडियंस के सोच के अनुसार चलना होगा। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में ज़रा बताना चाहता हूँ। आप हमारे यहाँ से स्क्रिप्ट राइटिंग की कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे आप ऑनलाइन घर बैठे सीख सकते हैं। आपको स्क्रिप्ट राइटिंग को बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। इतना ही नहीं, जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलती है। कोर्स में टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलती रहती है, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या ऑफर्स के बारे में जानने के लिए या फी वगैरह पता करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट कीजिए और बिल्कुल स्क्रिप्ट राइटिंग के इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप भी एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर बन सके। थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप अपने स्टोरी को लिखते हैं, स्क्रीन प्ले को रेडी करते हैं, तो आपको अपने कैरेक्टर पर विशेष ध्यान देना है। कैरेक्टर का जो आप डेवलपमेंट करते हैं, कैरेक्टर की जो बिल्डिंग करते हैं, वो आपको अच्छे से करना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि आप जो कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं उसमें से कुछ कैरेक्टर्स को आप बिल्कुल यूनिक बनाइए, दूसरे जो कैरेक्टर्स होते हैं उससे अलग बनाइए। यूनिक कहने का मतलब क्या है कि एक ऑडियंस जो है वो वहाँ तक सोच ही नहीं पाए, और आप उनको वो नई चीज़ वहाँ पर दिखाएं कि हाँ इस तरह से भी कोई कैरेक्टर हो सकता है। तो अगर आप उनको वो दिखाने में सफल हो गए तो ऑडियंस को वो चीज़ काफ़ी पसंद आएगी। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ये एग्जांपल है, देखिए जब आप कोई स्कूल प्रिंसिपल का कैरेक्टर अपने स्टोरी में लिखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है उस कैरेक्टर के बारे में, कि जो कैरेक्टर है वो कैसा होगा, कि एक बूढ़ा आदमी है, वो थोड़ा मोटा है, चश्मा पहना हुआ है और खांस रहा है इस तरीके से वो खांस रहा है, और वो अपने प्यून को बुलाता है, तो इस तरह का कैरेक्टर आपके दिमाग में आएगा। क्यों आप इसी तरह का कैरेक्टर क्यों रखते हैं, जितनी भी मूवीज़ है उसमें प्रिंसिपल का कैरेक्टर इस तरीके से ही क्यों होता है, आप कुछ अलग नहीं रख सकते, आप अलग भी रख सकते हैं। क्यों स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो मेरे जैसा नौजवान नहीं हो सकता क्या, मेरे एज का नहीं हो सकता क्या, या मेरे जैसा लुक वाला नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं भी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। देखिए जो फिल्म मेकिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, इन सब के अलावा भी जो हमारी फिल्म मेकिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, इन सब के स्टूडेंट्स के अलावा आप में से बहुत कोई को ये मालूम होगा कि मैं RS एजुकेशन हाई स्कूल का डायरेक्टर भी हूँ, कि मैं वहाँ का डायरेक्टर हूँ, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल जो है या डायरेक्टर जो है वो मेरे जैसा भी हो सकता है, जब मैं हूँ तो हो सकता है। तो आप इस तरह का भी कैरेक्टर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको स्कूल का प्रिंसिपल का कैरेक्टर लिख रहे तो आपको बूढ़ा ही आदमी लिखना ज़रूरी है, आप मोटा ही आदमी आपको लिखना ज़रूरी है, चश्मा लगाए हुए आपको ज़रूरी है, आप चाहे तो नौजवान कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। तो अगर आप कुछ अलग दिखाएंगे ऑडियंस को तो ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आएगी। तो देखिए इन सभी चीज़ों को मिला करके, इन सभी चीज़ों को जब आप एक में करते हैं, सभी पॉइंट्स को आप फॉलो करते हैं, तब आप एक कामयाब स्क्रिप्ट लिखने में सफल हो पाते हैं, और स्क्रिप्ट पर जब मूवी बनती है तो मूवी ब्लॉकबस्टर साबित होती है, और उसके बाद फिर आपको फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो जानते ही हैं, आपको आम पब्लिक भी पहचानने लगती है। तो याद रखिए कि अगर आपको पब्लिक के बीच अपना फेम कमाना है, आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइटर बनना है, तो आपको कंटेंट अच्छा रखना होगा, अपनी सोच यूनिक रखनी होगी, आपको ऑडियंस को समझना होगा, समय को समझना होगा, और अपने कैरेक्टर बिल्डअप पर ध्यान देना होगा। तो ये सभी चीज़ों का फॉलो करके बिल्कुल एक अच्छी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइटर बन सकते हैं। और बिल्कुल ये बातें सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, मैं भी अपने जीवन में इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ और करता रहूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।